नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। मत्स्य विभाग व उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वावधान में जनपद पौड़ी गढ़वाल के बागी गांव व्यासघाट में 3 दिवसीय एंगलिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख कोट पूर्णिमा नेगी तथा मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत आर्य ने विधिवत प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रतियोगिता में जनपद स्तरीय अधिकारियों, एंगलरों, स्कूली बच्चों, स्थानीय लोग सहित 250 लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 32 एंगलरों ने प्रतिभाग किया, जिसमें स्थानीय लोग भी प्रतियोगिता में शामिल है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मत्स्य क्रीड़ा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कार्यक्रम में मत्स्य विभाग द्वारा महासीर कंजर्वेशन थीम पर आधारित टी शर्ट का अनावरण भी किया गया। एंगलिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगलौर, पंजाब, हिमाचल सहित अन्य राज्यों से एंगलरों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। 03 दिवसीय एंगलिंग प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा व अधिक किलो वाली मछली पकड़ने वाले एंगलरों को प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय 15,000 तथा तृतीय 10,000 पुरस्कार धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख कोट पूर्णिमा नेगी ने जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित कर कहा कि एंगलिंग प्रतियोगिता के आयोजन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए, जिससे बाहर से आ रहे एंगलों को एंगलिंग करने में मदद मिल सकेगी। मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि अगले वर्ष एंगलिंग का समय बढ़ाया जाएगा, जिससे देश विदेशों व राज्य से आ रहे एंगलर मत्स्य क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे तथा स्थानीय लोगों को भी प्रशिक्षण दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि एंगलिंग, जिससे एंगलरों की संख्या में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओम बेली मासिर कंजर्वेशन सोसाइटी गठित की जाएगी, जिसमें बागी, किन्सुर व नौगांव के प्रधान सदस्य तथा एंगलर, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग व मत्स्य विभाग भी कमेटी में शामिल होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कमेटी का गठन जल्द करना सुनिश्चित करें। कहा कि सोसाइटी गठित कर रोजगार सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। कहा कि मत्स्य से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व स्थानीय लोगों की आय का सृजन होगा। कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना है तो उसके लिए होमस्टे, होटल होना जरूरी है, जिससे पर्यटकों को ठहरने की पूर्ण व्यवस्था हो सकेगी। मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने कहा कि बागी स्थित नयार नदी में 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से, उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम की मदद से स्थानीय लोगों के व्यवसाय में भी बढ़ावा होगा और आने वाले समय में इस जगह को पर्यटन व एंगलिंग के रूप विकसित किया जाएगा। कहा कि लोगों को भी आगे आना चाहिए, जिससे महासीर का संरक्षण व संवर्धन होगा। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक मत्स्य एच के पुरोहित, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह राणा, सेवायोजन अधिकारी मुकेश रयाल, मत्स्य निरीक्षक पुरुषोत्तम गुसाई, ग्राम प्रधान नौगांव वनिता देवी, बागी किन्सुर दीपचंद शाह, एंगलर दीपक पंत, डॉक्टर सौरभ धीमान, कपिल तलवार, मोहन रयाल, डेरिक दिशुजा सहित दीदी भूली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। व्यासघाट में अपना द्वितीय राज्य स्तरीय एंगलिंग महोत्सव कार्यक्रम में पहले दिन तो यहाँ पे हैं और यह कार्यक्रम हम लोग गत वर्ष से जिला योजना के माध्यम से कराया जा रहा है। इस वर्ष हमारे पास आज 32 एंगलर्स हैं, जो कि अपने पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से हमारे बीच हैं। आज पहले दिन में हम एंगलर्स के साथ लगभग 2 घंटे बैठे और हमारे ज़िले से मुख्य विकास अधिकारी महोदय आए थे और एंगलर्स और हमने अपने बीच में साझा किया कि हम किस तरह से अपनी इस नयार नदी में जो महाशीर मछली होती है उसको पर्यटन की दृष्टि से और आय की दृष्टि से कैसे इसको लिंकअप करें और जो हमारे इसके आसपास के गांव और गाँववासी इसके बगल में रहते हैं उनको रोजगार का साधन कैसे मिले, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं, एंगलर्सों द्वारा भी अपने रुझान साझा किए गए हैं, उस पर विभाग आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। जिले में ब्यास घाट में देवप्रयाग के समीप इसका कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। ये राज्य स्तरीय एंगलिंग का प्रतियोगिता है, जिसमें पूरे देश के लगभग 30 से 35 एंगलर्स इसमें जुड़े हैं
और ये जो दिन जिन दो नदियों के बीच में संगम है जहाँ पे एंगलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ये नयार और गंगा नदी के बीच में बागी गांव के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि यहाँ जो महाशीर मछली पाई जाती है उसका कंजर्वेशन करना, लोगों को उसके आखेट से हटाकर इस तरह एंगलिंग को एक रोजगार और होम स्टे को कैसे इस कार्यक्रम से जोड़ के यहाँ की इकोनॉमी को सुधार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर ही फोकस कार्यक्रम ये हमारा रहेगा। थैंक यू। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।